उड़ीसा के ढेंकनाल की तरफ रुख करेंगे। आपको बता दें जिला भुवन शहर के बीजेपी द्वारा आज भवन में दिख रही अनेक समस्याओं को लेकर प्रशासन भारप्राप्त कार्यनिर्वाही अधिकारी और तहसीलदार प्रभास बेहुरा को मिलकर उन्हें एक दावा पत्र प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें इस दावे पत्र में कई सारे दावे किए गए, जिसमें से मुख्य दावा था कि बोर्ड परिषद द्वारा लागू होने जा रहे स्वच्छ भारत टैक्स को लेकर कहना था कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार द्वारा गाड़ी पर यह प्रचार किया जा रहा है कि स्वच्छ भारत टैक्स लागू होगा, जो कि बेआधार है, बेबुनियाद है। इसके साथ ही उनका कहना था कि अनेक शौचालयों का निर्माण हुआ है, कुछ महीने से वह ऐसे ही पड़े हैं जिनका लोकार्पण भी अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द चालू किया जाए, इसके बाद स्थायी कोर पर निर्वाही अधिकारी की नियुक्ति भी करी जाए, यह भी कहना था। आप देखिए हमारे साथ संवाददाता छिरोज चंद नायक जुड़ चुके हैं, जो बता रहे हैं बीजेपी उड़ीसा शत्रुघ्न जेना प्रेमानंद जेना साथ साथ प्रेसिडेंट भुवन बीजेपी भवानी शंकर का इस विषय पर क्या कहना था। भवानी शंकर बेहरा भुवन नगर बीजेपी मंडल सभापति। कौन थिला जी आपनो दायित्व आज दायित्व थिला कि हम भुवन अंचल पई होबा बा ओडिसार जतक म्युनिसिपैलिटी आउ पौरांचल अछि सबु जगह पई केंद्र सरकार को योजना स्वच्छ भारत मिशन रे सफा आ परिष्कार परिचन रखिया करबा पई ठिका संस्था तथा निजुक्ति कर्मचारी द्वारा ता परिष्कार परिचन करा जाउथिला। एबे एक मास हला तो प्रचार गाड़ी बुलुची एग्जीक्यूटिव अफिसर जरिया रे जे जो अलिया उठेबापी से पैसा देवाई पड़ो लोक मैंने ये वर्ग फुट को ये पैसा ये वर्ग फुट को ये पैसा से आपको जेहेतु केन्द्र सरकार दौंस पुणी कौन लोक मैंने पैसा दे कि अलिया उठेबे ये एक दाबी पत्र नहीं आसलु आ भुवन अंचल अनेक जिन जोटा कि परिसरागार आपणकर शौचालय एवं कल्याण मंडप ये जो सब निर्माण होती आज पर्यटन कार्यक्रम करना ए संबंध में भी लिखिकु आम अंचल ये पानीय जल जेहेतु खरा दिन आसान पानीय जल अव्यवस्था अच्छी प्रत्येक बजार जो थंडा पानी व्यवस्था करता सुधा कम कराऊना ये सब विभिन्न प्रकार दाबी के लेकिन आज आम एग्जीक्यूटिव अफिसर पाखे पहुँची थी नहीं आज गोटे दाबीपत्र जे इटी जो आमर आवर्जना महिला म्युनिसिपैलिटी सफा करने सरकार को तरफ न्यूज जी गाड़ी होती किंतु आम पाखे खबर अच्छी जे से गाड़ी की से तो नियोजित करु जेहेतु यहाँ केन्द्र सरकार पैसा से जहा कि प्रचार प्रसार चलु राज्य सरकार ताध्यम करेणु से गोटे आम दृष्टि आकर्षण आज करें तर कागज देवु तेणु आम आगामी दिन किभ भाव में एग्जीक्यूटिव दायित्व थोड़ा तहसीलदार आम मंडल सभापति जरिया भुवन बीजेपी समस्त आम आज भेटिलु आपण मानक नवेदन करुँ जम से निवृत्त रहा कहतु ना आगामी दिन में बीजेपी जहाँ पदक्षेप नाथपी एग्जीक्यूटिव अफिसर दायी है आज अभियोग भुवन एनएससी मंडल तरफ जो स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जो पैसा केन्द्र सरकार दौंस ता विनियोग कला बेले टे ओलम विलम भुवन एनएससी करा ताकु राज्य सरकार अर्थ मध्य पूरे खोलाखोली पैसा किसी नष्ट होम कार्यकर्ता अभियोग से गोटे स्मारकपत्र तहसीलदार पाक देलु एग्जीक्यूटिव अफिसर हिसाब से कम करेंगे तदारख करूँ एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जो दुर्नीति होती जांच कर देखु अभियोग कलु आदि ये स्मारकपत्र अनुसार प्रशासन किसी व्यवस्था गत त्रुटि पुणी कले पुणी भारतीय जनता पार्टी राजस्थ ओह कोविड समय प्रचार कार्य नियोजित करोड केन्द्र सरकार पैसा देखते राज्य सरकार से पैसा को खर्च करो बिल कर राज्य सरकार पैसा आर नाइन भारत के लिए छिरोज चंद्र नायक की रिपोर्ट ढेंकनाल उड़ीसा। ढेंकनाल जिला भुवन शहर में जल समस्या को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही। आबादी की बात की जाए तो यह एक जन बहुत क्षेत्र है। इसके साथ ही शहर में ब्राह्मणी नदी के किनारे बसे होने के बाद भी पीने योग्य पानी शहर के कई हिस्सों में नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा एक क्षेत्र जिससे हर शहर के 3 नंबर वार्ड की बात करें जहां पर 4 महीने हो गया लेकिन पीने योग्य पानी प्रशासन पहुंचाने में असमर्थ है। यहां के लोग दफ्तर पर जाकर बहुत बार लोगों को बता भी चुके हैं, साथ ही इस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं देखी गई है, जिसके चलते आज यहां की महिलाएं धरने पर बैठ गईं। हाल ही में 250 कोटी खर्च में शुद्ध पेयजल मुहैया किए जाने की सरकार ने घोषणा करी थी लेकिन पहले से बिछाए गए पाइपलाइन पर पानी अभी भी नहीं आ रहा है और आगे की योजनाओं पर घोषणाएं और विचार करा जा रहा है, जिसकी बदौलत लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है और वह पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। गर्मी का महीना अभी शुरू हुआ है कि नहीं, लेकिन पानी का असुविधा होने लगा है। लोगों को गर्मी का पहले ही पीने का पानी मिलने में असुविधा
उससे चलते उसके लिए चलते हैं, कुछ पूछेंगे हम हमारे माँ बहनों से क्या हुए उनका असुविधा। हम अभी खड़े हैं भुवन NAC के 3 नंबर वार्ड के सहान देवी छक में, वहाँ पर पूछेंगे क्या बोलते हैं उनसे, कौन असुविधा अच्छा आपको। 2 वर्ष होगा पानी सब नहीं कनेक्शन कर आसुनी पानी, पानी प्रॉब्लम होती है, इड़े सियाड़े बुलूँ खरा दिन है क्या कूप पोखर तो जहाँ अच्छी से छाड़ू ना कौन केमती करेंगे से सुविधा करेंगे आप। सरस्वती बेहरा कौन असुविधा पानी आम पाऊन तलदाणी पानी आसूस समस्ते नौकरी आम आमको 2 घंटा छाड़ू से चाबी बंद करमु इड़क 2 घंटा छाड़े आम पानी सफिसीयंट हो दरकार नहीं केमी देते कौन करेंगे जानू आम पानी दरकार पानी 4 मास है पानी आसूनी 2 वर्ष है दिहित पानी टोटाल आसूनी से पाइप ठिया जो आम पानी समस्या सब बेलू अच्छी मानते बहुत दिन है पानी समस्या तापर एनिचिक आम धाई धाई जो ब्लॉक को जाई पानी आम बहुत अनुरोध कला ठार जो पानी पाइप नला सब दे पा आसला किसी दिन आसला तापर यही 3-4 मास है टोटाल पा आसूनी पापा बहुत हईराण कदर्ज आम हो तल को जाऊँ बहुत लोग पा आणुचु तापर शीत दिन बर्षा दिन होता बोली आम पा चल दूल जो खरा है आम एत बाटर पा आणी खाला बेलू आमको बहुत असुविधा हो। अभी आप सुन रहे थे माँ बहनों से क्या उनका तकलीफ है। ऐसा है कि PWD ने पाइप खोद के कंक्रीट खोद के घर में कनेक्शन लगा दिया है पाइप का, लेकिन पानी तक नहीं आ रहा है। पानी का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा इसके चलते वो सब अभी हैरानी में है। बार बार दफ्तर तक दौड़ रहे हैं लेकिन उनसे कोई समाधान का कोई मंजूर नहीं मिल रहा उनसे कि कभी क्या उनसे पानी का समाधान पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उनको ये जो जगह है वो थोड़ा ऊंचा जगह पर है, इसके चलते एक तो ओवरहेड टांकी ऊपर के एरिया में बनाया है लेकिन वहाँ तक पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इन घर 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 तक पानी कैसे आएगा। अभी ये पानी का समस्या को कब समाधान करेंगे प्रशासन, ये हमको देखने का बाकी रह गया। भुवन से खिरोज चंद्र नायक की रिपोर्ट, R9 भारत के लिए क्षीरोद चंद्र नायक की रिपोर्ट, ढेंकनाल भुवन उड़ीसा। ओडिशा के केंदुझर की बात करें तो जिले में 13 वर्षीय युवक बादल परिडा के हृदय का प्रतिरूपण सफल हुआ है। आपको बता दें राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि पूर्व में भारत में सबसे कम आयु के युवक बादल के क्षेत्र में यह प्रतिरूपण सफल किया गया है। कोलकाता के हावड़ा में स्थित नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यह हृदय प्रतिरूपण का कार्य किया गया। राज्य सरकार की तरफ से समस्त आर्थिक सहायता दी गई, ऐसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने ट्विटर में भी लिखा है। सूचना के मुताबिक बादल जन्म के एबस्टेंस नामक भयानक बीमारी से पीड़ित था। हॉस्पिटल में भर्ती के समय बादल का जीवन संकट में था। हॉस्पिटल के कर्तृपक्षों के द्वारा उन्हें रोटो और नोटो श्रेणी में अंतर्भुक्त किया गया था। मेदिनापुर में एक 21 साल के युवक के ब्रेन डेड रोग से पीड़ित होकर मृत्यु हो जाने के बाद उन्हीं के परिवार वालों ने बादल को मृत युवक का हृदय दान किया था। मार्च के 2 तारीख को रोटो के द्वारा बादल के शरीर में हृदय प्रतिरोपण किया गया और अस्त्रोपचार कराने के बाद वह सफल दिखा। R9 भारत के लिए सौरी रंजन पंडा की रिपोर्ट, केंदुझर उड़ीसा। साल 2015 से बंद हुए प्रभु लिंगराज जी के हांडी भंगा यात्रा को इस साल उड़ीसा के उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तत्परता देखी गई है। इस यात्रा को संकलित करने हेतु खोरधा जिले के उपजिलापाल के अध्यक्षता में देवोत्तर विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर, BMC के अतिरिक्त कमिश्नर, मंदिर के मुख्य प्रशासक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लेकर एक बैठक अनुष्ठित हुई। बिलेश्वर मंदिर के ट्रस्ट के साथ पहले से आलोचना हुई थी और यात्रा में सहयोग करने के लिए कल मलिया सेवेतियों और खुटिया सेवेतियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक सम्पन्न हुई। R9 भारत के लिए संवाददाता ऋतु परना सेठी की रिपोर्ट, भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर के कमिश्नरेट पुलिस ने आज भुवनेश्वर वासियों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। आपको बता दें यह नंबर है 7077798111। रास्ते तथा गलियों में होने वाले अपराध, चैन छीनना और छेड़खानी जैसे होने वाले अपराधों की फोटो और वीडियो भेजने के लिए इस नंबर का उपयोग किया जाएगा। कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से यह सेवा अगले मंगलवार से शुरू हो जाएगी। भुवनेश्वर के DCP डॉक्टर उमाशंकर दास ने भुवनेश्वर के लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल न करते हुए सिर्फ अपराध के फोटो और वीडियो भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपराध के विषय में जानकारी देने वाले शख्स का नाम गुप्त रखा जाएगा और अपराध होने वाले जगह पर पुलिस पहुंचकर अपनी कार्रवाई करेगी। यह एक बेहतर सोच प्रदर्शित कर रही है जिसकी लोग पूरे क्षेत्र में सराहना कर रहे हैं। R9 भारत के लिए संवाददात्री ऋतुपर्णा सेठी की रिपोर्ट, भुवनेश्वर उड़ीसा।
ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित धर्मशाला ब्लॉक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलरामपुर कंतपड़ा गांव में आज पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी से बंदूक की नोक पर लुटेरों ने 8,10,000 रुपए की लूट कर ली। दरअसल लगातार 4 दिन तक बैंक बंद होने के कारण बैंक में रुपए जमा नहीं कराए गए। आज सुबह 11:30 बजे पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर उस समय रुपयों को लेकर कबाड़ बंद स्टेट बैंक में जमा करने के लिए ले जाते समय बरकना खेल मैदान के पास लूट का शिकार हो गया। लुटेरों ने लूट करके लाल और काले रंग में अपाचे पर बैठकर तुरंत उस जगह से फरार हो गए। लूट होने के बाद वह कर्मचारी पेट्रोल पंप और निकटतम पुलिस स्टेशन पर फोन से खबर देने के बाद यह मामला सभी के संज्ञान में आया। इसके बाद घटना स्थल पर जैनपुर थाना के पुलिस अधिकारी पहुंचे और छानबीन जारी रखी है। आइए अब देखते हैं पेट्रोल पंप के अधिकारी इस विषय में क्या कह रहे हैं। संग्राम केसरी बराल संगीन अभियोग आप थाना अभियोग कर कर्मचारी जोबले बैंक को जाते बाटर दुर्बृत आक्रमण कर घटना सत्यासत विषय टे कह आमर 11 समय 11:10-11:15 भितर से पिला मनोज बलिहार सिंह था ना सी बैंक क्याश नहीं जाते अध बाटर दुर्बृत भुजाली आ बंधुक देखा तीन जन दुर्बृत ताटू पैसा छड़े पड़े एक ग्लामर गाड़ी नंबर नंबर OD02M7068 ना सेमती किसी आम एत दिन रही सेमती किसी भाव सुधा चोरी क्या आमर थी 755,000 आ चेक है 164,000 सब बंधुक आजाली तक देखे गाड़ी चाबी छड़े नहीं पक तले भी पकई देसी चोरी अभियोग करते हाँ थाना बाला आसिक इनक्वारी कर तदन चल बर्तमान जो आपते बैंक टाँह नहीं सी केत वर्ष धरी आपके काम सी आज्ञा पंप ओपनिंग अच्छे 12-13 वर्ष 12-13 वर्ष अच्छा 12-13 वर्ष संदेह कर ना सर सेमती आम कि जानू सन्देह कौन एम तो आम जाऊ 12-13 वर्ष है दिन बैंक सब जाऊ रमेश जेना पंपर जन सदस्य अच्छी मानने मुख्य हिसाब से रही आरंभ मुंप सका 10 भर आसला मोर गोटे काम थी गोटे अफिस मुझे पलिगली ऑफिस जाए पहुँची आम मैनेजर संग्राम बराल फोन कले कले एमती आम जो मनोज नहीं जाऊला पैसा बाटे डकात कर लोक ना नहीं पड़े से मत कह 7,55,000 आउ चेक 4 चेक एम टोटाल के पैसा हूँ 8,00,000 आउ चेक के चेक मत क्लीयर कह मुझे पचारे मुझे रिटर्न सांगे सां पलि बैक नहीं जाऊला ग्रामर बैक गोटे ताको गोटे सी कह कौ ने ना 3 पिला आसिक आपाजी गाड़ी ताटू आटाक कर पकईदे नहीं पलिगले ब्राह्मणी नदी पैसा चोरी थाना अभियोग करते हाँ तो थाना अधिकारी कौन सूचना दे आसिक ये इनक्वारी करी जा कहे मुझे डक थाना को आसवि क्या कहते आम तदंत भार दिखाई आम कि आम पैसा कि बाकी लोक जब कौट मिल जाते आम टे ये हूँ तो आम आम पैसा पड़ जाए ना सब 8,00,000 सन्देह आम क्या करूँ सन्देह कौन आम से पिलाटी भी आम पाखे रोज बहुत दिन है रही सन्देह आम क्या देखने सन्देह कले सन्देह भितर आम क्या R9 भारत के लिए राकेश भारती की रिपोर्ट जाजपुर उड़ीसा। राउरकेला के NIT के संवर्धन उत्सव और राउरकेला में बनने वाले RFE के द्वारा परिचालित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के लिए उड़ीसा के दौरे पर आएंगे। केंद्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रपति भवन जाकर उनसे साक्षात करके उड़ीसा आने के लिए निमंत्रण दे चुके हैं। इस अवसर पर श्री प्रधान अंगुल के आठ मलिक के दलित कारीगर द्वारा निर्मित एक गमछा भी भेंट किया था। R9 भारत के लिए सौरी रंजन पंडा अंगुल उड़ीसा।